विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ प्रभु, आपने वंशीवादन क्यों रोक लिया? मेरे एक भक्त हैं, जिनकी ये इच्छा है कि उनके पुत्र को बड़े होते हुए मेरी संगति मिले, जिससे वो कभी भी अपने पद से ना भटके। तो इसमें क्या समस्या है प्रभु? संगति, संस्कार, हम नहीं व्यक्ति के कर्म और उसके स्वयं के विचार ही निर्धारित करते हैं। तो क्या आपके भक्त के साथ भी ऐसा होने वाला है प्रभु? तो क्या होने वाला था प्रभु? क्या कुंडली को प्रभु परम श्री कृष्ण की संगति मिलने वाली थी? पुंडलिक की कुंडली के अनुसार वो हर कार्य निष्ठा और एकाग्रता से करेगा, और उसके उदाहरण उसकी बाल्यावस्था से ही दिखने लगे थे। पुंडलिक, अब तुम इस बार नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी आंखें झपकने वाली हैं। हाँ, अब आंखें बंद होने वाली हैं। और कितनी देर तक खुली रखोगे उन्हें? दिखाऊंगा। सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। और खेलना चाहोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, कोई लाभ नहीं है, तुमसे प्रतियोगिता में कोई नहीं जीत सकता। हम तो क्या, अरे अभी हम जा रहे हैं, हमें और नहीं खेलना तुम्हारे साथ। हम ऐसा खेल क्यों खेले जिसमें हम जीत ही ना सके? चलो फिर, मेरा कार्य भी हो गया और माला भी बन गई। हे बाल गोपाल, आज आपके सबसे प्यारे लड्डू बने हैं भोग में। ये लीजिए बाल गोपाल, भोग स्वीकार कीजिए। आशा है अच्छा लगा होगा आपको। काका, प्रणाम काका। मुझे क्षमा करना भ्राता, मैंने अनजाने में आपका और आपकी भक्ति का उपहास किया। आप तो प्रभु की प्रतिमा से बात कर रहे थे और मुझे हंसी आई, किंतु फिर मुझे प्रभु का आभास हुआ, अर्थात आप उचित थे। भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कीजिए भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। काका क्या कह रहे थे, क्या हुआ है उन्हें, किस बात का आभास हुआ है,
और इस प्रकार चले क्यों गए? तुम्हारे काका को लगा कि मैं ऐसे ही प्रतिमा से बातें कर रहा हूँ। वो समझ ही नहीं पाए कि ये प्रतिमा नहीं, हमारे प्रभु हैं, हमारे बाल गोपाल, जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ। पुत्र, ये विश्वास की बात है। विश्वास ना हो तो मात्र प्रतिमा है, किंतु विश्वास हो तो ये हमारे प्रभु हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनकर। कुंडली, तुम्हारे पिताश्री उचित कह रहे हैं। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो सब तुम्हें देंगे। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। मेरी गोपाला, जिसका जैसा विश्वास उस रूप में प्रभु गोपाला को देख सकते हैं, अपने बाल गोपाल के रूप में या अपने इष्ट भगवान के रूप में। पिताजी कहते हैं, आपको जो जिस भी रूप में भजेगा या पुकारेगा, उसी रूप में आप उसे मिलते हैं। आप में तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। क्या आप मेरे प्रभु बनेंगे? कहिए ना, मेरे प्रभु बनेंगे ना आप? मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे ना? पुत्र, क्या कर रहे हो? ध्यान से, प्रतिमा को हानि ना हो जाए, रख दो उसके स्थान पे। क्षमा कीजिए। तुम्हें प्रतिमा चाहिए क्या? मुझे मिल सकती है क्या मेरी गोपाला की प्रतिमा? हाँ, क्यों नहीं, बस तुम मेरे मूर्ति बनाने के श्रम का भुगतान कर दो और ले जाओ अपने गोपाल को। और वैसे भी बिना मूल चुकाए कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। मैं दूंगा, अवश्य दूंगा आपको इसका मूल। तो बताओ क्या दोगे मूल? किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? धन तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक उपाय है। मैं आपके श्रम का मूल श्रम से चुका सकता हूँ। श्रम? कैसा श्रम? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मैं आपके लिए मिट्टी गोंदूंगा। पुत्र, तुम इतने छोटे हो, इस मिट्टी को कैसे गुंथ पाओगे? अरे, इसे गुंथने में तो मैं थक जाता हूँ। मुझे गूंदने दीजिए ना, मैं गूंथ दूंगा। गूंथने दो से। पुत्र, इस पूरी मिट्टी को गुद कर इसे पात्र बनाने के योग बना सकोगे तभी प्रतिमा मिलेगी, अन्यथा नहीं।
ये क्या कर रहे हो पुंडलिक? मिट्टी क्यों गूंध रहे हो? प्रभु की प्रतिमा पाने के लिए श्रमदान कर रहा हूँ। ये सरल नहीं है पुत्र, तुम थक जाओगे। थक जाएगा नहीं, वो थक चुका है और अभी थक के छोड़ देगा वो। नहीं काका, पुंडलिक उनमें से है जो ठान लेता है वो करके ही मानता है। हाँ हाँ दामोदर उचित कह रहा है। इसलिए कुमार काका, मुझे अपने प्रभु की प्रतिमा देने के लिए अपने मन को अभी से समझा लो। श्रम तो रंग ला रहा है पुत्र। हाँ, इस बालक में इतनी एकाग्रता कहाँ देखने को मिलती है। भगवान की भक्ति का सुर लग गया है इसे, ये तो आज अपने प्रभु कृष्ण को पाकर ही रहेगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो। रहने तो पुत्र, अब छोड़ दो, तुम मिट्टी नहीं कूद सकोगे। थक गए हो तुम, जाओ इसे हमारे लिए छोड़ दो, हम कर लेंगे। प्रभु, आज पुंडलिक आपके बिना घर नहीं जाएगा। तो क्या हुआ प्रभु, क्या वो उस कार्य को संपन्न करके प्रतिमा को पा सका? ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति निष्ठा से ही भक्त की सफलता का मार्ग खुलता है। स्वयं भगवान भक्त के साथ आकर उसकी सहायता करते हैं। प्रभु, ये छाया अवश्य ये आपकी ही लीला है। सर्वथा अद्भुत। ये धुनी बालक तो अपनी ही धुन में मगन है। ताल, लय और थिरकंड का अनूठा संगम है इसके पांव में। भक्ति की शक्ति ने तो मुझे भी भाव विभोर कर दिया है। बस पुत्र, मिट्टी गूंथ ली तुमने, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। पुत्र पुंडलिक, तुम्हारी तन्मय भक्ति और तुम्हारा श्रम सफल हुआ है। मैं अब चाह कर भी तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा ले जाने से नहीं रोक सकता हूँ। रुक जाओ पुत्र, ले जाओ अपने प्रभु को, पुत्र ले जाओ।
तुम्हारे प्रभु जिन्हें तुमने अपने श्रम से पा लिया। श्रम से नहीं, अपनी निश्चल भक्ति से उन्हें पाया है भक्त पुंडलिक ने। जय गोविंदा, जय गोपाला। मैंने कहा था ना प्रभु, आज मैं आपको अवश्य अपने साथ लेके जाऊंगा। मित्र पुंडलिक, आज तुमने सबके सामने प्रमाणित कर दिया कि जो तुम चाहते हो वो करके ही मानते हो। अद्भुत एकाग्रता है तुम्हारी, जिससे अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेते हो तुम। किंतु ध्यान रखना पुत्र, सदा अपने मन को अच्छाई में ही लगाना, उसे भटकने मत देना। ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा, इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। कुमार काका, प्रभु के होते हुए मैं अपने पथ से कैसे भटक सकता हूँ भला? प्रभु की संगति सबसे भली। चलिए प्रभु, अब मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, बहुत सारी बातें जो करनी है आपसे। धन्यवाद कुमार काका, धन्यवाद काकी। देखो मित्र, ये मेरे प्रभु हैं, उनकी प्रतिमा है, और आज से ये सदा मेरे साथ रहेंगे, मेरे मित्र बनकर। चलिए प्रभु। माँ, देखो कौन आया है मेरे साथ। पुत्र, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी अवस्था में लौटे हो तुम? और कौन आया है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो माँ, ये आए हैं मेरे प्रभु। गोपाला, मिट्टी को रूप और आकार कुम्हार देता है, किंतु अपनी एकाग्रता से उसी मिट्टी को गुथा है हमारे पुत्र ने और प्रभु को पाया है। मैं तो कहूंगा अपनी भक्ति से पल भर के लिए भी नहीं डिगा अपना पुत्र पुंगलिक। पुत्र, प्रभु को लाए हो तो क्या वो बाहर ही रहेंगे? उन्हें भीतर नहीं लोगे? उनका स्वागत सत्कार नहीं करोगे? लाऊंगा ना माँ, स्वागत सत्कार भी करूंगा और पूरा घर भी दिखाऊंगा। पुत्र, उसके पांव स्वच्छ नहीं किए उसने। सत्यवती, उसके पांव मिट्टी से नहीं प्रभु भक्ति से सने हैं, भक्ति का आनंद लेने दीजिए उसे। ये है पूजा घर, भगवान की भक्ति का पूजा का कक्ष। यहाँ आते ही आनंद का अनुभव होता है। और ये है हमारे गोपाला, आप ही के तो रूप है ना? हाँ पुत्र, ये भी इन्हीं के ही रूप है। लाओ इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें यही स्थापित कर देती हूँ। नहीं माँ, आपके गोपाला है ना आपके पास, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे साथ मेरे कक्ष में रहेंगे। किंतु नियम और मर्यादा तो यही कहते हैं कि मैं माता पिता से अनुमति लूं। मुझे मेरे प्रभु को मेरे कक्ष में रखने की अनुमति दीजिए ना माँ। अनुमति दे दीजिए, बालक है, अपने कक्ष में रख सकता है इन्हें। किंतु आपको आपके प्रभु का ध्यान रखना होगा। हाँ माँ, मैं अपने प्रभु का पूरा ध्यान रखूंगा और उन्हें कोई भी कष्ट पहुँचने नहीं दूंगा। ये मेरे प्रभु है, मैं इनकी सेवा करूंगा। ये मेरा कक्ष है और ये आज से हमारा कक्ष होगा।
हमारी कक्ष में आपका स्वागत है प्रभु। प्रभु, अब जब मैं आपको अपने कक्ष में लेकर आया हूँ तो आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं बोलते जाऊँ और आप सुनो ही ना। मैं एकाग्र होकर सुना रहा हूँ तो आपको भी एकाग्रता से सुनना होगा। हमें भोजन दीजिए। हमें और कौन है तुम्हारे साथ? आप भूल गई क्या माँ, मैं अब अकेला कहाँ? मेरे साथ तो मेरे प्रभु है ना। थाम्भा देते। प्रभु, लगता है भक्ति की संगति का आनंद तो आपको आने भी लगा है। आपको तो ज्ञात है राधे, प्रभु सदा अपने भक्तों की संगत के भूखे रहते हैं। हम उनके साथ रहते हैं जब तक भक्त हमें अपने हृदय और मन में रखकर आनंदित होते हैं। आपकी इस मुस्कान के पीछे क्या रहस्य है प्रभु? तब तो मैं यही मनाऊंगी कि आपके और आपके इस भक्त के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आए। परिवर्तन तो प्रकृति है प्रिय। फिर वो संस्कार और विचारों की ही क्यों ना हो। माता पिता संस्कार तो दे सकते हैं किंतु विचार नहीं। और यदि विचारों में परिवर्तन आया तो संस्कार और संगति में परिवर्तन निश्चित है। तब तो मैं यही मनाऊंगी कि उसके विचार कभी ना बदले। कितने दयालु हैं आप प्रभु, मेरे लिए प्रसाद भी छोड़ दिया। आपको पता है ना पूरनपोली कितनी भाती है मुझे, तो अब आपका प्रसाद तो मुझे ही ग्रहण करना पड़ेगा ना। व्यक्ति के भीतर एकाग्रता हो तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु दिशा का उचित होना आवश्यक है।